बरेली थाना बारादरी के संजयनगर क्षेत्र की रहने वाली महिला ने एसएसपी से शिकायत की है कि उसने 9 जून 2023 को महिला सहित तीन के विरुद्ध एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें महिला ने पुलिस से 164 के अंतर्गत बयान दर्ज करने का कई बार निवेदन किया, लेकिन पुलिस ने उसकी एक नहीं सुनी और 164 के तहत बयान दर्ज नहीं किया क्योंकि मामला धारा 376 से जुड़ा है और ये एक अहम मामला है। उसकी बेटी को अपनी जान का खतरा है। मुसलमान लोग आए दिन उसको डराते धमकाते रहते हैं। महिला ने एसएसपी से शिकायत की है कि पुलिस उनकी समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है और 164 के तहत बयान दर्ज नहीं कर रही है। बयान दर्ज कराया जाए और मुलजिमों को जेल भेजा जाए। ये एरम सैबी नाम की लड़की है जो सेक्स रैकेट चलाती है और 4 महीने से इसने मेरे घर में धंधा खुलवाया। उसमें धंधा खुलवा के मधु एडवोकेट, रीना सागर, सत्यवीर, मुन्नी, एक संजना नाम की लड़की और भी अन्य लोग हैं जिनके मैं नाम नहीं जानती हूँ। एक लंगड़ी कोई औरत थी, एक कोई बूढ़ी औरत आई थी। इनने मेरे घर के अंदर 5 काम, इनका कोट बट था मुर्गा काटना है, तो इनने बुला के लोगों को पैसा वसूला है और मेरी वीडियो न्यूड बना के मुझे ब्लैकमेल करके मुझसे भी 2 काम कराए। मैं पूरी तरीके से पीड़ित हूँ। मैं पुलिस प्रशासन की पूरी मदद करने को तैयार हूँ, सरकारी गवाह बनने को तैयार हूँ। मेरी सुनवाई की जाए, मैंने मुकदमा भी दर्ज कराया है। मेरा इसने धर्म परिवर्तन भी कराने की कोशिश की। मुझे बाकी और लोगों से, गलत लोग जो भी बुला के घर में, ये आए दिन नए नए लोग बुलाती थी, मुझे मिलवाया है इसने। एक जगह कहीं जंगल में लेके गई रात के 11-12 बजे के टाइम में, कृष्णा नाम के लड़के के साथ में। वहाँ भी इसने गलत काम करे और करवाए मेरे से। मैं इससे पूरी तरीके से पीड़ित हूँ। मेरी सुनवाई की जाए। मैं पुलिस प्रशासन से हाथ जोड़ के, मुख्यमंत्री से हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूँ, इस लड़की का पर्दाफाश करो। ये लड़की छोटी मोटी नहीं है। इसने जो मेरी वीडियो वायरल की है वो इनके, रीना के और एरम सैबी के फ़ोन से बनी हुई हैं। जो वीडियो में बोल रहा है वो सत्यवीर कथित पति बना है मेरा, मुझे ब्लैकमेल करके मेरे घर में गलत काम कराए। मेरी बेटी के साथ भी गलत हुआ है। मैं हाथ जोड़ के मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रही हूँ। मेरी, मुझे जान मान का भी खतरा है इन लोगों से। ये लोग बहुत तेज हैं। मैं इनके चुंगल में 4-5 महीने मुझे हो चुके हैं। क्या लालच दिया था? लालच नहीं, मेरी न्यूड वीडियो बना के मुझे ब्लैकमेल किया गया। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।